जयराम जी से आप तो बड़े जिम्मेवार राजनीतिज्ञ हैं। एक बयान उन्होंने और दे दिया पीछे कि अफसरशाही हिमाचल प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी वो बड़ी दुखी है और केंद्र में जाना चाहती है। जयराम जी आपको तो पता आप चीफ मिनिस्टर हैं, अगर कोई भी केंद्र सरकार में जाना चाहता है वो पहले प्रदेश सरकार से ही अपना केस रिकमेंड कराते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी भी दो चार अफसरों के नाम बताओ जो जाना चाहते हैं, जो उनको बताया हो, सिर्फ ये स्टेटमेंट दे जानी कि अधिकारी या ब्यूरोक्रेसी जो है वो खुश नहीं है, दुखी है और कईयों ने केंद्र सरकार में जाने की इच्छा प्रकट की है। क्या जयराम जी के पास इच्छा प्रकट की है उन्होंने? कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि जयराम ठाकुर यह कह रहे हैं कि प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी सरकार से दुखी है और केंद्र में जाना चाहती है। जयराम ठाकुर ऐसे अधिकारियों के नाम बताएं जो केंद्र में जाना चाहते हों। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है और कहीं जाने की इच्छुक नहीं है। जयराम जी से आप तो बड़े जिम्मेवार राजनीतिज्ञ हैं। एक बयान उन्होंने और दे दिया पीछे कि अफसरशाही हिमाचल प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी वो बड़ी दुखी है और केंद्र में जाना चाहती है। जयराम जी आपको तो पता आप चीफ मिनिस्टर हैं, अगर कोई भी केंद्र सरकार में जाना चाहता है वो पहले प्रदेश सरकार से ही अपना केस रिकमेंड कराते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी भी दो चार अफसरों के नाम बताओ जो जाना चाहते हैं, जो उनको बताया हो, सिर्फ ये स्टेटमेंट दे जानी कि अधिकारी या ब्यूरोक्रेसी जो है वो खुश नहीं है, दुखी है और कईयों ने केंद्र सरकार में जाने की इच्छा प्रकट की है। क्या जयराम जी के पास इच्छा प्रकट की है उन्होंने? तो इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा, जयराम जी के आपके अच्छे संबंध हैं, प्रधानमंत्री से अच्छे संबंध हैं, गृह मंत्री से अच्छे संबंध हैं, कम से कम पैकेज लाएँ और उसका श्रेय लें। हम भी धन्यवाद करेंगे केंद्र सरकार का। जहाँ तक राहत कोष में देने की बात है, मैं भी हम सबसे अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा दें और हमने भी ये फैसला किया है, जितने पूर्व हमारे विधायकगण हैं लगभग सभी जो है एक महीने की सैलरी, हमें पेंशन मिलती है, एक महीने की सैलरी जो है अपनी मुख्यमंत्री राहत कोष में पेंशन और सैलरी नहीं जा सकती है, हमारी एक महीने की पेंशन जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। और भी दानी वीरों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा दें ताकि जो है ये राहत कार्य में तेजी लाई जा सके।